Good morning, friends, and welcome for Nifty analysis today, 4th November 2016. Nifty, as we have been talking about, support level on 100 EMA, and we had actually taken a target of 8500 level. And if it crosses below that, then we will say that support has been breached. And proper support which we had discussed is 8493. Now it has also actually breached. In a row, last 2 days, it has actually closed below this 100 EMA on daily chart. And this is really a matter of concern for bulls, because in a consecutive 2 days, if support breaches, then it is confirmed that support henceforth will act as a resistance. So now Nifty, this bar, which is a strong bearish bar, bearish sentiments, reaching a support level, strong support level, important support level, all favors in downtrend, and actually it gives us this, there is no support level at this moment nearby, and chances are there that 8398, rather 8400 level to be precise, will be a next target for Nifty, and there Nifty is going to seek a support. Today probably Nifty will retest this 100 EMA, that is 8521, as a resistance, and retesting it as a resistance and then breaching yesterday's low will really take Nifty to south. निफ्टी वापिस इस 100 के ईएमए को रेजिस्टेंस के रूप में टेस्ट करने को आ सकता है, जो फिलहाल 8521 के पास है, उसको रेजिस्टेंस टेस्ट करे, और उसके बाद अगर कल का ये जो लो है, इस लो को अगर ये तोड़े, तो फिर हम 8400 के लेवल को जा सकते हैं। ये डेली चार्ट पूरी तरह से बेयर्स के फेवर में दिख रहा है, मेजर सपोर्ट लेवल टूट चुकी है और अगला सपोर्ट लेवल एक्सपेक्टेड लेने के पूरे आसार दिख रहे हैं। ये हमारा डेली चार्ट, अगर हम लोग आर्ली चार्ट में इसको क्विकली एनालाइज करते हैं, तो आर्ली चार्ट में इसको मैंने फ्यू डेज बैक वी हैड एक्चुअली प्लॉटेड दिस एक्सटेंशन लेवल, फिबोनाची एक्सटेंशन एंड द टारगेट ऑफ 8491 व्हिच वाज एक्चुअली टेकन, दैट हैज बीन अचीव्ड। सो इसका अभी कोई वजूद नहीं है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सो मैं अभी फिलहाल इसको हटा रहा हूँ। आगे के लेवल को अंडरस्टैंड करने के लिए इतना ही है कि आरएसआई पूरी तरह से 30 के नीचे आ चुका है, लेकिन कोई डाइवर्जन का सिम्टम नहीं दिख रहा है। जो दिख रहा था कल, तो रिकवरी आ गई थी, सो नाउ रिकवरी सस्टेन नहीं हुई 100 के ईएमए, 20 के ईएमए को और गैप को ये रेजिस्टेंस टेस्ट करके नीचे की तरफ आया है। सो ये सारी चीजें बता रही है ओवरसोल्ड मार्केट है, रिकवरी एक्सपेक्टेड है, प्रीवियस सपोर्ट लेवल्स इसी एरिया में है। यानी अगर हम लोग जाके देखते हैं यहाँ पे, तो ये सपोर्ट थी जिसको इसने तोड़ा है। अगला सपोर्ट लेवल अगर हमें देखना है ढंग से, तो यही आता है 8398। सो 8400 की लेवल ये हमारे लिए अगली सपोर्ट लेवल है, और उसके भी नीचे अगर ये कहीं चलता है तो 8300 की लेवल पे। सो 8400 की लेवल का टारगेट हम एक्सपेक्ट अगर कर रहे हैं, तो मैंने निफ्टी के लिए क्विकली छोटा सा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाया है। दिस बेसिकली अगेन वी हैव बीन डिस्कसिंग इन द पास्ट, अगर हम हमारी साइट shares.tradingschool.com पे जाते हैं, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के लिए स्टडीज में, अगर आप यहाँ पे जाएंगे, तो स्टडीज में जाने के बाद आपको ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे जाना है। यहाँ पे जब आप जाएंगे, बेसिक स्ट्रेटेजीज हैं, हम लोग ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटेजीज नहीं बना रहे। Options trading strategy, once you go there, then you will go further down, then there is a trading manual, wherein if you click on this, you will find this PDF copy. In that PDF copy, we have chatically explained about this strategy quickly. Ek chota sa aasan tarika hai understand karne ke liye, long put spread. Hum log bearish hai, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी नीचे रहेगी, सो हमने दो पुट उठाने हैं। सो पहला पुट जो है, पहली स्ट्राइक प्राइस दैट वी विल कॉल ए, सेकंड स्ट्राइक प्राइस वी विल कॉल बी। सो पहली स्ट्राइक प्राइस जो आपको यहां दिखाई है, अभी इस केस में मैंने जो सिलेक्ट किया है उसको खाली क्विकली पहले शेयर कर दू। ए स्ट्राइक प्राइस है 8350 और बी स्ट्राइक प्राइस है 8450। सो अगेन
8,350 यानी ए और 8,450 यानी बी। 8,350 का पुट पी लिया है यहाँ पे, तो आप देख रहे पुट है। सो ये 8,350 ए है और 8,450 बी है। सो ए यहाँ पे रेड बॉक्स है यानी सेल करना है, और ये ग्रीन बॉक्स है यानी आपको बाय करना है। सो हमने ए को सेल करना है और बी को बाय करना है। 8,350 ये हमारा ए है और 8,450 हमारा बी है। ये अगर हम करते तो हमारा लॉन्ग पुट स्प्रेड एस्टेब्लिश हो जाता है, जो इस तरह से बनेगा। 8,350 हम लोग सेल कर रहे हैं और 8,450 हम बाय कर रहे हैं। सेल कर रहे हैं सो हम रिसीव करेंगे, और हम बाय कर रहे हैं सो हम पे करेंगे। सो 68 रुपीज करंट रेट है, सो हमने ये वी विल हैव टू एक्चुअली पे दिस एंड 98 वी विल रिसीव। सो इट इज अ डेबिट स्ट्रेटेजी। सो 30 रुपीज का हमें इसमें डेबिट एस्टेब्लिश होता है। अब अगेन आई विल गो बैक टू दिस, 30 रुपीज का डेबिट है। सो हमारा ब्रेक इवन कहाँ पे आएगा? सो लॉन्ग पुट स्प्रेड में ब्रेक इवन होता है बी माइनस डेबिट। सो बी यहाँ पे आता है हमारा 8,450। सो अगेन मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, हमारा बी माइनस डेबिट ये हमारा ब्रेक इवन है। सो ब्रेक इवन हमारा जो रहेगा, बी क्या है 8,450 माइनस डेबिट है 30 रुपीज। सो 8,450 माइनस 30 अगर हम करते हैं तो 8,420 पे हमारा ब्रेक इवन रहेगा। सो 8,420 हमारा ब्रेक इवन है। अगर इसके ऊपर निफ्टी चलता है तो हमारा रिस्क होगा, हमारा स्वीट स्पॉट यानी मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा। अगर आप वापस जाते हैं और देखते हैं क्या लिखा है, सो यहाँ लिखा है बिलो ए, यानी जो ए जो हमारी स्ट्राइक प्राइस है, ए वाली जो पहली वाली जो हम बेच चुके हैं, यह है 8,350। सो 8,350 पे ये जाता है, मैक्सिमम प्रॉफिट हम अचीव करेंगे। मैक्सिमम प्रॉफिट क्या रहेगा? सो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला अगर हम देखते हैं, मैक्स प्रॉफिट ए माइनस बी माइनस डेबिट स्प्रेड। सो ए है 350 और बी है 450, सो दोनों का डिफरेंस है 100 रुपीज का। सो 100 रुपीज का डिफरेंस माइनस डेबिट पेड दैट इज 30, सो मैक्स प्रॉफिट 70 रुपीज। सो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट 70 रहेगा। अब हमारा मैक्सिमम रिस्क क्या है? सो हमारा मैक्सिमम रिस्क की स्ट्रेटेजी बताता है लिमिटेड अप टू डेबिट। सो हमारा डेबिट अगर आप देख रहे हैं, चलिए डेबिट आ रहा है 30 रुपीज का। सो मैक्सिमम हमारा रिस्क 30 रुपीज का है और मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा 70 रुपीज का है। सो 1:2 रादर 1:2.25 का प्रोपोर्शन है। अगर हम लॉट साइज के हिसाब से देखते हैं तो 5,250 का हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन अगर गया सपोज निफ्टी 8,420 के ऊपर तो हमारा मैक्सिमम रिस्क रहेगा 2,250 का। ये स्ट्रेटेजी लेने का एडवांटेज ये है कि सिर्फ अगर हम लोग पुट लेते सपोज, तो उसका डिसएडवांटेज ये रहेगा कि हमें फिर ज्यादा मार्जिन देना पड़ता है। यहाँ पे हम जब सेल कर रहे हैं, वंस वी सेल दिस देन वी रिसीव दिस प्रीमियम, हेंस आवर ब्रेक इवन रिड्यूसेस। इफ इन केस वी बाय ओनली पुट देन वी विल पे अ प्रीमियम एंड बाय बिकॉज ऑफ दैट आवर ब्रेक इवन गोज फर्दर डाउन। Probably Nifty may not go that much down. That is 8,300 के नीचे निफ्टी जाए ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन 8,400 के लेवल पे शायद टच करे। सो 8,400 के लेवल के नीचे जितना रहेगा या उसके पास आएगा, सो 8,350 और 8,400 ये एक्सपेक्टेशन है। ये वी विल सी वंस अगेन दैट 8,300 से 8,000 ये दोनों के बीच में 8,398 टू 8,300 ये लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं निफ्टी को इन नियर फ्यूचर। मैं अगर यहाँ पे प्लॉट करके दिखा दूँ तो ये लेवल, ये हमारी लेवल होगी, तो आई विल जस्ट सॉरी ये लेवल जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं शायद हमारे लिए यहाँ से एक पॉइंट लेना होगा। ये जो लो है और ये जो लो है और ऊपर की लाइन को, मैक्सिमम पॉइंट्स को अगर ये कवर करता है तो हमारे लिए, अगर निफ्टी इफ इन केस कम्स डाउन देन फर्दर डाउन, सो प्रोबेबली इन फ्यूचर निफ्टी में कम टू दिस लेवल। सो एक्सपेक्टेशंस बेरिश है और उसको देखते हुए हमने ये स्ट्रैटेजी है। सो मेरे ख्याल से ये स्ट्रैटेजी काफी आसान है, आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अच्छा है, 2,200 का खाली रिस्क है, 5,250 का प्रॉफिट पोटेंशियल है। सो विशिंग यू हैप्पी ट्रेडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।